हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईएमपी टेक्सटाइल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं पावर बीआई में। जी हाँ, पावर बीआई। तो पावर बीआई के डैशबोर्ड बनाना क्या टफ है? पावर बीआई क्या हम लोग सीख सकते हैं? नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो है वो सीख सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि पावर बीआई में एक रिपोर्ट बनाना, एक डैशबोर्ड बनाना कितना सिंपल है। आप कुछ मिनट में एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले गेट डेटा पे गए और मैं एक एक्सेल को सिलेक्ट करके एक एक्सेल फाइल यहाँ पे लोड करता हूँ, क्योंकि पावर बीआई के अंदर अपना डेटा सेव नहीं होता है, किसी न किसी डेटाबेस से कनेक्ट होता है और 100 से ज्यादा डेटाबेस से कनेक्ट होता है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेटाबेस को लॉग इन कर लिया। अब इसकी मदद से हम एक बनाएंगे अट्रैक्टिव डैशबोर्ड, वो भी कुछ सेकंड में। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सटाइल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन लाइन क्लासेस में। और साथ में आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका आने वाला साल मंगलमय हो। तो कैसे बनाए? सिंपली हम इसको बना सकते हैं। देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बनाने के लिए सिंपल क्या करना है कि देखिए, मैंने डेटा लोड कर लिया, यहाँ पे डेटा मेरा आ चुका है। तो पावर बीआई में तो तीन व्यू होते हैं, मॉडल, डेटा व्यू, टेबल व्यू एंड आपका रिपोर्ट व्यू, जिसको लोग कैनवस भी कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेरा है रेवेन्यू जनरेट है, अमाउंट है और मेरी क्वांटिटी है, दो चीज मुझे दिखाना है। तो इसको मैंने गंट चार्ट में दिखा दूंगा। ऊपर में यहाँ पे गंट चार्ट लिया और इस पे मैंने अपनी क्वांटिटी को पुट कर दिया। सिंपल सर, इसकी फॉर्मेटिंग बड़ा करना चाहे तो बहुत सारे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। दूसरा, एक और गट चार्ट में ले रहा हूं और इसके बगल में साइन में रख रहा हूं और यहाँ पे अपनी अमाउंट को मैं डाल दे रहा हूँ कि हाँ अमाउंट है। अब मैं अमाउंट के कलर को ग्रीन करना चाहता हूँ, तो कलर में गए और यहाँ पे मोर कलर में जाके ग्रीन वाले सेक्शन में ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना हेडिंग भी देना है, क्या चीज का रिपोर्ट है। तो इंसर्ट करके यहाँ पे जैसे एक्सेल में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, जैसे यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स रिपोर्ट 2023। अभी बहुत इसको उठा के आप यहाँ पे रिमूव करें, एक साइज ले लेंगे, कितना बड़ा एरिया में आपको चाहिए उसी हिसाब से अपने इसको फिट कर लीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए अपने टेक्स्ट को और टेक्स्ट की साइज को बड़ा कर लीजिए। देखिए फटाफट कैसे बन रहा है, एकदम सिंपली। उसके बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी और कितना अमाउंट जनरेट हुआ है। तो ए वाला मैं लूंगा क्योंकि मुझे वो चाहिए बार चार्ट में। तो मैं बार चार्ट लिया और इस पे मैंने अपनी जो है प्रोडक्ट को लिया, प्रोडक्ट डाल दिया और प्रोडक्ट के अंदर मैंने इसके अंदर डाल दी अपनी अमाउंट को और डाल दिया क्वांटिटी। पिवट टेबल की तरह आप इस तरह से इसको एक के नीचे पुट कर सकते हैं इस तरह से। यहां बट अमाउंट सही से नहीं दिखाया तो हम विजुअल में जाके अमाउंट को हटा देते हैं। जी अमाउंट नहीं चाहिए, क्वांटिटी रहने देता हूँ, अमाउंट हटा देता हूँ, क्वांटिटी आ गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे शेयरिंग चाहिए अपने मंथ वाइज प्रोडक्ट हो गया, एसओ है, एसओ वाइज रिपोर्ट चाहिए, टारगेट चाहिए, टारगेट और इसका टोटलिंग भी मुझे देखना है। तो एक कॉलम चार्ट में यहाँ लेता हूँ और यहाँ पे इसको रखता हूं और यहाँ पे मैंने अपना क्वांटिटी और अपना टारगेट डाल दिया और इसके अंदर मैंने अपना सेल्स ऑफिसर डाल दिया। तो हर सेल्स ऑफिसर का टारगेट और क्या है वो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। देन मैं यहाँ पे स्टोर है हमारे पास, तो यहाँ स्टोर वाइज सेविंग चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर एक चार्ट लिया, इसको यहाँ पर रखा और यहाँ पे मैंने अपना स्टोर ले लिया और स्टोर में अपना रेवेन्यू शेयर किया है वो हम यहाँ पे कर देते मेरा क्या प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का शेयरिंग में लेता हूँ कि मेरा कितना परसेंट प्रॉफिट शेयर हुआ है
उसके बाद मैं यहां पे एक फ्लो चाहता हूं मंथली, तो फ्लो के लिए लाइन चार्ट लेते हैं, और यहां पे हम यहां पे ले लिया, और यहां पे हम डेट देते हैं, डेट में जो हेरिकल है उसको हटा के मुझे यहां पे मंथ और डे चाहिए, डे चाहिए से, तो यहां पे हम अपनी क्वांटिटी कर देते हैं, बट एक सही से एक 31 तक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं डेट, डेट है निकले डाल सिर्फ डेट कर देते हैं, तो पूरा डेट के हिसाब से मेरा फ्लो यहाँ पे दिख जाता है। देन मैं यहां से एक और ट्री मैप चार्ट लेता हूँ, और ट्री मैप चार्ट में मैं अपना मंथ डालता हूँ, मंथ वाइज टोटल हम यहाँ पे अपनी रेवेन्यू डालते हैं कि क्या मंथ का किस मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुआ है रेवेन्यू डाल। उसके बाद मुझे ईयरली ड्रॉप डाउन चाहिए, मतलब कि फिल्ट्रेशन चाहिए, तो आप देखिए कि यहाँ पे ईयरली फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हमने रखा और यहाँ पे ईयर को रख दिया, क्योंकि यहाँ पे कैसा का रेट है, और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में गया सेट स्लाइसर सेटिंग, और यहाँ पे जस्ट मैंने रख दिया ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गया, तो अगर मैं 2023 का रिपोर्ट देखना है जस्ट क्लिक ऑन 2023, और 2023 का पूरा रिपोर्ट फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसको सेव करके पावर क्वेरी पे, पावर क्वेरी के जो वेब पोर्टल है उस पर आसानी से डाल सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि मात्र में 4-5 मिनट में इसको मैंने बना लिया, जी हाँ सिर्फ 5 मिनट में इसको तैयार कर लिया। आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी एक बैच शुरू हो रही है 3 जनवरी से, जी हाँ नए साल के मौके पे 3 जनवरी से शुरू हो रही है पावर बीआई की कंप्लीट क्लासेस, और जिसके लिए आपको जस्ट 1500 पे करना पड़ेगा। तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अपने सीट को बुक कीजिए।